रोहित इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। अब तेरा कॉलेज तो हो गया भाई, अब अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, जिंदगी अच्छे से बीतेगी। क्या पापा अभी, अब नौकरी करने का जमाना गया, मैं तो बिजनेस करूंगा बिजनेस। क्या अभी, कम से कम उसे खाना तो खा लेने दीजिए। चला जा बेटा, खाना खा ले, और आप भी खा लीजिए। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन, अरे बेटा तेरे कमरे में जो कबाड़ है वो इकट्ठा करके कबाड़ी वाले को दे देना। ठीक है। अगले दिन रोहित सारी कबाड़ी इकट्ठा करता है और कबाड़ वाले का इंतजार करता है। माँ, मैंने सारा कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, पर आज दिन भर हो गया, कोई कबाड़ी वाला नहीं आया। हाँ बेटा, ऐसा ही हाल है यहाँ, कभी कभी तो महीनों हो जाते हैं लेकिन कोई कबाड़ी वाला नहीं आता। अब देख, जब आ जाए तब दे देना। रोहित एक हफ्ते तक कबाड़ वाले का इंतजार करता है। कितने दिन से कबाड़ी वाले का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन एक भी कबाड़ी वाला नहीं आया। फिर वो अपना फोन चलाने लग जाता है। अरे बेटा, मैंने सुना है कि आजकल सभी चीजें ऑनलाइन मिल जाती हैं। अच्छा जरा सुनना, मेरे लिए एक साड़ी मंगवा दे ऑनलाइन। तेरे पापा को तो बोल बोल कर थक गई, पर ला कर ही नहीं देते, कंजूस कहीं के। आजकल सभी चीजें ऑनलाइन मिल जाती हैं, बस एक कबाड़ी नहीं बिकता ऑनलाइन। तभी बाहर से जयराम की आवाज आती है। अरे ओ रोहित की माँ, जरा पानी तो ला दो। अरे आ रही हूँ, और बाहर चली जाती है। सही तो है, आजकल सभी चीजें ऑनलाइन मिल रही हैं, लेकिन बस कबाड़ ही नहीं बिकता। क्यों ना मैं एक ऐसी ऐप बनाऊं जो घर घर जाकर कबाड़ उठा सके। कुछ दिनों बाद रोहित रघु से मिलता है। अरे भाई, कहाँ ईद का चांद हो रखा था, इतने दिन से ना कोई फोन ना मैसेज। अरे भाई, खजाना मिल गया खजाना। क्या? फिर रोहित रघु को अपना आइडिया बताता है। अब कबाड़ को रिसाइकल करके हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, और हाँ, तुझे एक वेबसाइट बनानी है जिससे लोग हमें फोन लगाकर कबाड़ बेच सके। हाँ, पर पहले हमें लोगों के घर जाकर कबाड़ इकट्ठा करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद। अरे रोहित देख, जो तूने वेबसाइट बनाने के लिए बोला था ना, वो मैंने बना ली है। और ये देख, हमारी वेबसाइट को बहुत लोगों ने देखा भी है, कुछ ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया है, और देख कितनों ने तो अभी से ऑनलाइन कबाड़ बेचना भी शुरू कर दिया है। अब बस हमें वहाँ चलना है और उनके घर से कबाड़ उठाना है। फिर रघु और रोहित दोनों कबाड़ इकट्ठा करने के लिए घर घर जाते हैं। भैया, कोने में रद्दी पड़ी है, उठाने के बाद में वहाँ पर झाड़ू भी लगा देना। रघु को बहुत बुरा लगता है, पर वो फिर भी वहाँ से कबाड़ उठाकर अपने साथ ले आता है। रोहित दूसरे घर जाकर, वैसे भाई ये तो बहुत अच्छा किया आपने, अब मुझे कबाड़ी वाले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये सारा कबाड़ यहाँ से ले जाओ। रोहित कबाड़ उठाने लगता है और उसे कबाड़ में एक कंप्यूटर मिलता है। अरे भैया, ये कंप्यूटर ये भी कबाड़ में देना है क्या? हाँ ले जाओ, ये अब किसी काम का नहीं है। बताओ कितने में लोगे? अरे वाह, 25,000 का कंप्यूटर कबाड़ में मिल रहा है, इसके तो मुझे पूरे पैसे मिल जाएंगे। भाई 5,000 में ले लूंगा। अरे वाह, इतना बेवकूफ कबाड़ी वाला तो मैंने आज तक नहीं देखा, इस कबाड़ कंप्यूटर के मुझे पूरे 5,000 दे रहा है। अरे हाँ हाँ भाई, ले जाओ ले जाओ। शाम को रघु और रोहित दोनों इकट्ठा होते हैं। भाई आज तो बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हो गया, मुझे भी आज बहुत फायदा हो गया, 25,000 रुपए का कंप्यूटर सिर्फ 5,000 में मिल गया। वाह भाई, बहुत अच्छा किया। चल अब चलकर किसी बड़े कबाड़ी वाले के पास चलकर इसे बेच देते हैं। और अपनी अपनी कबाड़ी लेकर बड़े कबाड़ खाने पहुंच जाते हैं। भैया ये सारा कबाड़ कितने में लोगे, और ये कंप्यूटर ये कितने में लोगे? अरे भैया, इस कंप्यूटर के तो आपको सिर्फ 500 मिलेंगे। क्या सिर्फ 500? पर ये तो बहुत महंगा कंप्यूटर है। अरे भाई, कबाड़ है तो कबाड़ के भाव में ही लूंगा ना, और वैसे भी इतने सालों से ये धंधा कर रहा हूँ तो मुझसे बेहतर तो कबाड़ का भाव कोई जान ही नहीं सकता। मजबूर होकर रोहित और रघु को कंप्यूटर को 500 रुपए में ही बेचना पड़ता है। ठीक है भैया, ले लो। फिर रघु और रोहित दोनों मिलकर वहाँ पर अच्छे से काम देख लेते हैं और फिर थोड़ी देर में बाहर आ जाते हैं। यार मैंने तो सोचा था कि ये काम बहुत आसान होगा, लेकिन ये तो इतना मुश्किल है। हाँ भाई, अब कुछ अलग करना है तो मुश्किल तो होगी। हाँ
और अब सोचा है तो करके भी दिखाएंगे। कुछ दिनों तक रोहित और रघु अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए घर घर जाकर खुद ही कबाड़ इकट्ठा करते थे। एक दिन रोहित। हाँ पापा, आया। अच्छा सुन बेटा, ये सामान की लिस्ट है, जाकर बाहर से ले आ। रोहित बाहर सामान लेने के लिए चला जाता है और फोन घर पर ही भूल जाता है। कुछ देर बाद रोहित के फोन पर रघु का फोन आता है। अरे फोन तो यहीं पर भूल गया। और जयराम रोहित का फोन उठा लेता है। फोन की दूसरी तरफ से रघु की आवाज आती है। अरे भाई, आज तो श्यामनगर से फोन आया था, बहुत सारा कबाड़ मिलेगा। थोड़ी देर बाद रोहित सामान लेकर घर पहुंचता है। क्या हुआ पापा, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? इसी दिन के लिए हमने तुझे पढ़ाया था है? कि तू लोगों के घर जा जाकर कबाड़ इकट्ठा करे। खबरदार, अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ और काम पर जा, कोई जरूरत नहीं है कबाड़ उठाने की, समझा? पापा मुझे एक बार काम तो शुरू करने दीजिए, और वैसे भी इसमें बहुत फायदा है। फायदा वायदा कुछ नहीं, बस तू ये काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आप मुझे खुद को साबित करने का मौका तो दीजिए, आप देखना एक दिन आप मुझ पर गर्व करोगे। हाँ, इस बात का गर्व करूंगा कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग करने के बाद घर घर जाकर कबाड़ उठाता है ना? नहीं नहीं पापा, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था, बस एक बार मान जाइए ना। वैसे भी आपको पता है, हम कबाड़ को रिसाइकल करके उसको फिर से उपयोग में ला सकते हैं। बेवकूफ, कैसे समझाऊं तुझे, तू तो हमारी नाक ही कटवा देगा। मैंने मना कर दिया तो कर दिया, तू ये काम नहीं करेगा। पापा बस एक बार मान जाइए ना, फिर आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। अच्छा, तुझे यही काम करना है ना? तो एक काम कर, कर ले काम, बस खुश। रोहित खुश हो जाता है। पर तू इस घर में नहीं रहेगा, जा निकल जा मेरे घर से। रोहित रोते हुए घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद रोहित रघु के पास जाता है। अरे भाई क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? रोहित रघु को सारी बातें बताता है। भाई तू जा और जाकर अपने पापा से माफी मांग ले और छोड़ दे इस काम को। नहीं भाई, अब मैंने ठान लिया तो ठान लिया, और तू देखना एक दिन पापा मुझ पर गर्व करेंगे। रघु रोहित के कंधे पर हाथ रखता है और दोनों अपने काम पर निकल जाते हैं। कुछ दिनों तक दोनों कबाड़ इकट्ठा कर करके बड़े कबाड़ी वाले के पास बेच देते थे और जो भी मुनाफा मिलता उसे इकट्ठा करके रख लेते थे। एक दिन रोहित और रघु दोनों कबाड़ी लेने के लिए एक घर में जाते हैं। रघु फोन में एड्रेस देख है। यार एड्रेस तो यहीं का था, पर ये दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? तभी दरवाजा खुलता है और अंदर से एक 70 साल का बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है। क्या है, कौन हो तुम दोनों? तभी अंदर से एक जवान आदमी बाहर निकलता है। अरे पापा, मैंने ही इन्हें बुलाया था, ये लोग ऑनलाइन कबाड़ का बिजनेस करते हैं और आपको पता है इन दोनों ने अच्छी खासी पढ़ाई भी की हुई है। कौन सी डिग्री ली हुई है तुम दोनों ने? वो सर हमारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। क्या, इंजीनियरिंग की हुई है और कबाड़ का धंधा करते हो? तुम्हें तो कोई भी अच्छी नौकरी दे देता बेटा। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने दोनों बेटों पोतों को बुलाता है। ये देखो, ये मेरे दोनों पोते, इसे मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और इसे इंजीनियर बनाना चाहता था, पर अब तुम दोनों को देखकर मुझे पता चल गया है कि इंजीनियरिंग करके इसका आगे क्या हाल होने वाला है, इसीलिए अब इससे इंजीनियरिंग तो नहीं करवाऊंगा,
रोहित और रघु उदास मन से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और चुपचाप कबाड़ लेकर वहां से निकल जाते हैं। यार रोहित, हमारे देश में कबाड़ी वाले की कोई कदर ही नहीं करता यार। हाँ बात तो सही कह रहा है, पर तो देखना एक दिन हम सबको दिखा देंगे कि कबाड़ी वाला होना कोई बुरी बात नहीं है। थोड़े दिन बाद मैं क्या सोच रहा था कि ये जो पैसे बचे हैं उनकी हम कुछ मशीनें खरीद लेते हैं जिससे हम कबाड़ को रिसाइकल कर सकें। हाँ और कुछ मजदूर भी रख लेंगे जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। रोहित और रघु दोनों कुछ दिनों में मशीनें ले आते हैं और कुछ मजदूर भी रख लेते हैं। अब जहाँ भी कबाड़ी लेने जाना होता वो मजदूरों को भेज देते। एक दिन रघु दौड़ा हुआ रोहित के पास कुछ पेपर और प्लास्टिक के बॉटल्स लेकर पहुंचा। अरे देख भाई, इस नई मशीन में तो ये प्लास्टिक की बोतल बिल्कुल नई जैसी हो गई। और देख ये पेपर भी पुराने पेपर से मिलकर बनाए हैं। इसी तरह से हम अलग अलग पेपर्स को अलग अलग तरह से रिसाइकल कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब इसे तो हम फिर से किसी नए दुकानदार के पास बेच सकते हैं। हाँ हाँ भाई बिल्कुल, इस तरह की तो और मशीनों से हम अपना सारा कबाड़ रिसाइकल कर सकते हैं। कुछ दिनों तक दोनों ऐसे ही मन लगा कर काम करते हैं और अपना एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेते हैं। अरे रघु, ये हमारी ऑनलाइन ऐप से कितने सारे लोग जुड़ रहे हैं और कितनी दूर दूर से लोग आसानी से अपना कबाड़ हम तक पहुंचा सकते हैं। इधर जयराम बरामदे में बैठा हुआ चाय पी रहा था, तभी दौड़ा हुआ एक आदमी आता है। अरे काका, अरे तुमने आज का पेपर देखा कि नहीं? अरे इस पे अपने रोहित भैया का फोटो छपा है। क्या, रोहित का फोटो? हाँ काका, देखो उन्होंने अपने ऑनलाइन कबाड़ के बिजनेस को कितना बड़ा कर लिया, और तो और दूर दूर से उन्हें कबाड़ भी मिलता है और वो उस कबाड़ को रिसाइकल करके किसी बड़ी फैक्ट्री में भी बेचते हैं। क्या सच में? हाँ काका, यकीन ना हो तो खुद ही देख लो। मैंने अपने बेटे को क्या कुछ नहीं सुनाया और वो मुझसे कहता रहा कि एक बार मेरी बात मान लो, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। अब वो मुझे कहाँ मिलेगा? अरे काका, अरे इतनी फिक्र काहे कर रहे हैं? ऐ रोहित भैया का फोन वा घुमाओ और बात कर ले। फिर जयराम कांपते हुए हाथों से फोन लगाता है। दूसरी तरफ, हेलो, रोहित कबाड़ी वाला स्पीकिंग। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कबाड़ है, क्या आप उसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते? रोहित अपने पापा की आवाज पहचान जाता है। पापा, देर में रोहित अपने घर पहुंच जाता है। जयराम खड़ा होकर रोहित को गले से लगा लेता है। बाप की बात का इतना बुरा लग गया कि इतने समय से घर ही नहीं आया। नहीं पापा, आपकी बात का कैसे बुरा मान सकता हूँ? आप ही की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। बस ये सोचकर नहीं आया कि जब तक अपने पैर पर खड़ा ना हो जाऊं तब तक आपको शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा।